हाय फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार एंड जय हिंद। तो चलिए दोस्त, पढ़ते हैं आज कुछ वॉयस। जैसा कि पिछला वीडियो मैंने बताया था आप लोग को, जो वॉयस पढ़ाया था वो वॉयस था आपका प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड, जिसमें से तीन टेंस का वॉयस बनता है। ऑलरेडी मैंने उसे बता चुका हूँ। अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर और उसका भी देखते हैं वॉयस कैसे बनता है, ठीक है। तो देखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से भी आपका कहीं ना कहीं एग्जाम में आता ही है। तो वॉयस लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आता है और इसको स्पोर्टिंग हीडर के लिए सबसे ज़्यादा सफिशियंट होता है, ठीक है। तो वॉयस में आज हम लोग पढ़ेंगे किसका, पास्ट टेंस का। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट टेंस का, तो पास्ट टेंस में सबसे पहला क्या होता है, पास्ट टेंस में सबसे पहला होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वॉयस बहुत ही आसानी तरीका से आप समझ सकते हैं। उसके लिए क्या, थोड़ा बहुत पे अगर टाइम एंड टेंस जानते हो तो समझ में आ गया आ जाएगा। तो देखिए इसके साथ क्या होता है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉयस का पास्ट इंडेफिनिट का, वो क्या होता है कि सब्जेक्ट भी टू और ऑब्जेक्ट, ये जनरली सामान्यतः यह स्ट्रक्चर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। और इसका जब पैसिव वॉयस में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट पहले आएगा और भी टू किस में चेंज कर देना है, वाज या तो वर में, इसमें वाज या तो वर में, इसके बाद थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट विल बी चेंज इन ऑब्जेक्ट। तो ये आप चेंज कर लीजिएगा कि सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट में चेंज होगा। और यहाँ पे दिक्कत होता है कि वाज और वर किसके किसके साथ लगता है, तो वो भी मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि वाज किसके साथ और वर किसके साथ। देखिए वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, किस पे, सब्जेक्ट पे आपका डिपेंड करेगा। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होगा तो उसके साथ लगेगा वाज, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ क्या लगेगा, वर लगेगा। तो ये तो आप याद रखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आ जाएगा, जैसे ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा, दिस आएगा और दैट आएगा और नेम्स आएगा, और सिंगुलर नेम रहेगा, सिंगुलर नेम से रहेगा। तो ये सही में से कोई भी यदि आएगा तो साथ हमेशा क्या लगाएंगे आप लोग, हमेशा वाज लगाएंगे, ठीक है। अब वाज किसके साथ लगेगा, जैसे बात करते हैं, और इसमें आई भी है तो आई भी एक आपका सिंगुलर में ही आएगा, तो आई सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, ठीक है। तो आई भी और वाज किसके साथ लगाएगा, वी हो गया, यू, दे, दोज और दीज, और प्लूरल नंबर एंड डबल नाउन, प्लूरल नंबर एंड डबल नाउन। तो इसमें से कोई भी रहेगा तो आप हमेशा क्या लगाएंगे, आप हमेशा वर का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डबल प्लूरल नंबर रहेगा और डबल नाउन, जैसे प्लूरल नंबर में जैसे बॉय हो गया तो बॉय का प्लूरल क्या होता है, बॉयज, इसी प्रकार से कैट होता है, और डबल नाउन में क्या होगा, डबल नाउन में तो राम एंड श्याम, तो ये सभी कितने हैं, डबल है, तो डबल के साथ क्या लगाएंगे, हमेशा वर लगाएंगे, ठीक है। और कुछ एग्जांपल है उसका देखिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आई सा ही, मैंने उसे देखा, ये हमारा किस में है, तो ये हमारा एक्टिव में है, जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, ही, तो ही के साथ क्या लगेगा, ही के साथ सिंगुलर है तो सिंगुलर तो क्या लगेगा, वाज लगेगा, तो ही वाज। इसके बाद सा का भी थ्री क्या होता है, तो सीन होता है, और इसके बाद बाई लगाना है, बाई, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। तो ये हमारा किस्में हो गया, ये हमारा पैसिव वॉयस में आपका बन करके तैयार हो गया, ठीक है। ये हुआ पहला। दूसरा देखिए, सीता गिव, सीता गिव अ पेन, सीता ने कलम दिया या दिया था। तो इसको देखिए किसमें है, एक्टिव में है, जब इसको आप पैसिव बनाएंगे तो पैसिव क्या बन जाएगा, पैसिव यहाँ पे देखिए पैसिव बन जाएगा
अपेल सिंगुलर, तो सिंगुलर साथ वाज लगाएंगे, और गिव का भी टू दिया हुआ तो उसका जिक्र क्या होता है, गिवन होता है, और सीता है तो भाई सीता, या तो हर भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर हर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा किसमें बन गया, ये हमारा पैसिव वर्ब में बन गया। तो आई होप एक एग्जाम्पल, और तीसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही रेड अ बुक, ही रेड अ बुक, वह किताब पढ़ी या वह किताब पढ़ी थी, तो कुछ ऐसा है, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर यहाँ पे लाइए, तो अ बुक आ जाएगा पहले, अ बुक सिंगुलर है तो वाज, और रेड का रेड नहीं होता तो रेड बाय ही बन जाएगा। तो ये हमारा पैसिव वॉइस में ये बन कर क्या हो गया, रेडी हो गया, और ये हमारा एक्टिव है। तो आई होप इतना एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अब इसी के रिगार्डिंग बात करते हैं, एक बार और इसको देखिए, जैसे रहेगा क्या चीज पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट का मैंने ये स्ट्रक्चर आप पढ़े होंगे, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, यदि सब्जेक्ट और उसके साथ वी टू और ऑब्जेक्ट आता है, उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वी टू, तो वी टू क्या होता है, जैसे ऐसा पढ़े होंगे सेंटेंसेस में, जिस क्रिया के अंत में या है, ई है, ए है, तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या था है, थी है, तो उसमें क्या बोला जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इंग्लिश के अनुसार बताऊँ तो दैट वर्क्स इज पास्ट, या दैट वर्क्स इज फिनिशिंग इन अ पास्ट टेंस, मतलब पास्ट में क्या हुआ, काम फिनिश हो गया, तो वो चीज बताया, ठीक है। तो सब्जेक्ट वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर है, और इसी को जब बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, और ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखा है कि ऑब्जेक्ट चेंज हुआ किसमें, ऑब्जेक्ट चेंज हुआ सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज और वर्ब को क्या करना है, फिल करना है। इसके बाद ये वी टू है तो वी टू को आप कन्वर्ट करेगा वी थ्री में, इसके बाद बाय और सब्जेक्ट विल बी चेंज इन ऑब्जेक्ट। अब देखिए थोड़ा बहुत दिक्कत होगा सर सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे, और जब सब्जेक्ट प्लुरल है तो क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, जैसे आई वी आई ही सी इट दिस दैट, और सिंगुलर नंबर्स, और ये कोई सिंगल नाम रहेगा तो उसके साथ आप हमेशा वाज लगाएंगे, और जब प्लुरल रहेंगे तो वाज वर्ब वर्ब के लिए बताएं, तो हो जाएगा आप हमारे पास आई आई नहीं होगा, वी होगा, यू होगा, दे होगा, दोज होगा, दीज होगा, डबल नाउन और प्लुरल नंबर रहेगा, तो वहाँ पे क्या करिएगा, वर्ब का ही आप इस्तेमाल करेगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया हो। जैसे एग्जांपल मैंने लिया कि आई सा ही, मैंने उसे देखा, या मैंने उसे देखा, मैंने उसे देखा था, तो ये बहुत पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है। मैंने कभी देखा था, तो किसको डिनोट करता है, पास्ट को डिनोट करता है, इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। तो जैसे देखा इस तरह, तो ही का क्या ऑब्जेक्टिव केस, ही ऑब्जेक्टिव केस है, दूसरा सब्जेक्टिव केस ही होगा, और ही क्या सिंगुलर, तो सिंगुलर साथ क्या लगता है, वाच, और सी का सा का वी टू क्या होता है, सा, और उसका वी थ्री क्या होता है, सीन होता है, तो सीन बाय मी। इसके बाद सीता गेव अ पेन, सीता ने कलम दिया, ये कलम ने दी थी या दी, तो वहां पे क्या हो जाएगा, अ पेन वाज गिवन बाय सीता, या हर यूज कर सकते हैं, ही रीड, ही इसको रीड नहीं पढ़ेंगे, इसको प्रोनाउंसिएशन रेड होता है, तो ही रेड अ बुक, और अ बुक सिंगुलर है तो पा जाएगा, तो बुक वाज रेड बाय हिम। आई होप ये समझ में आ गया होगा, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब इसका देखिएगा निगेटिव, इसका अब निगेटिव में क्या होता है, तो निगेटिव में आप लोग जैसे पढ़े होंगे निगेटिव सेंटेंस में, टेंस टाइम एंड टेंस में, तो उसमें कुछ बताया गया होगा कि पास्ट टेंस का जो मतलब जो भी वर्ब होता है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब होता है, वो डिड आता है, डिड भी एक तरह से वी टू को ही रोल प्ले करता है। जैसे बात करते हैं एक्टिव में जो हमारा दिया हुआ रहता है वो सब्जेक्ट, उसके बाद डिड, इसके बाद नॉट, और इसके बाद वी वर्ब, और ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहता है। तो ये जनरली पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो किसमें है, एक्टिव में, जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, तो ऑब्जेक्ट पहले, उसके बाद डिड को चेंज करेगा वाज या तो वर्ब में, और इसके बाद नॉट, और वी वन है तो यहाँ पे वी थ्री हो जाएगा, और बाय प्लस सब्जेक्ट विल बी चेंज इन ऑब्जेक्ट। ये हमारा किसमें है, ये हमारा वॉइस बन कर किसमें तैयार हो गया, पैसिव में। तो बस पैसिव में क्या करना होता है कि ऑब्जेक्ट को पकड़ के सब्जेक्ट को चेंज करिए, सब्जेक्ट को चेंज करके ऑब्जेक्ट में, और उसमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि उसमें थर्ड फॉर्म को देना कंपलसरी है, अदरवाइज यू कैन नॉट पुट अप
थर्ड फॉर्म आफ्टर दिस सेंटेंस विल बी रॉन्ग. अगर आप थर्ड फॉर्म नहीं देंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा इन अ पैसिव वॉइस. ठीक है, जैसे देखिए अब एक एग्जांपल, एग्जांपल क्या होगा कि राम डिड नॉट बीट हिम. ठीक है, राम डिड नॉट बीट हिम, राम ने उसे नहीं पीटा या पीटा था. तो ये हमारा किस में दिया गया है, ये हमारा एक्टिव में. जब इसको हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हिम का सब्जेक्टिव ही और ही के साथ वाज लेगा और इसके बाद क्या लगाना है, नॉट, तो नॉट लगा दीजिए. और बीट का भी फ्री क्या होता है, तो बीटन होता है, तो बीटन आपका इस्तेमाल करिए और इसके बाद क्या हो जाएगा, बाय. और राम है तो आप यहाँ पे राम को इस्तेमाल करिए, दैट इज आपका ये पैसिव वॉइस बन करके रेडी हो गया. तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, इसी के रिगार्डिंग और दूसरा बात करता हूँ क्वेश्चन. तो जैसे दे डिड नॉट लव हर. ठीक है, वे लोग उसकी हर नहीं करते, हिम करते, लव हिम, वे लोग उससे प्यार नहीं करते हैं. ठीक है, नहीं किए थे या नहीं किए. देखिए हिम क्या आ जाएगा, तो हिम पहले आ जाएगा, तो ही वाज नॉट लव्ड हो जाएगा और इसके बाद बाय देम हो जाएगा. तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारा एक्टिव और ये हमारा पैसिव. तो ये सभी जो रूल है इस पर आप ध्यान दीजिएगा. और इसके रिगार्डिंग बात करते हैं इंट्रोगेटिव का. इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो इंट्रोगेटिव का तो जनरली आप लोग स्ट्रक्चर जानते हो, टाइम एंड टेंस का तो नहीं जानते, तो देखिए जान दीजिएगा इसका क्या होगा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर. तो इंट्रोगेटिव का नोट वन, तो नोट वन में क्या होगा कि डिड पहले, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद गिवन और ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन मार्क रहेगा. तो ये हमारा किसका जनरली, ये हमारा एक्टिव एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है. जब हमने उसको पैसिव में कन्वर्ट करा तो क्या होगा, डिड को चेंज करिएगा वाज या तो वर्ब में, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाइएगा, और इसके बाद गिवन को थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट विल बी चेंज इन ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा. ठीक है, अब इसी के रिगार्डिंग बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल. एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल बात करूँ तो डिड यू गिव अ बुक, सिंपल एक एग्जाम्पल मैंने लिया, डिड यू गिव अ बुक. तो एक कुछ एग्जाम्पल है, ये हमारा किसमें है, एक्टिव में. जब इसको पैसे में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, अ बुक. पहले देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, और ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग सब्जेक्ट को भर को फिल करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपका जो एग्जाम में दिया हुआ रहता है, तो एग्जाम में आप अगर आप ऑप्शन छाटना सीखे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं. ठीक है, तो अ बुक पहले आएगा, तो अ बुक पहले आया, अ बुक सॉरी, अब पहले नहीं, अब बुक सिंगुलर है, तो सिंगुलर साथ क्या लाएगा, वाज लाएगा, और इसके साथ जो बुक है वो लिखेगा, तो बुक हमारा बुक है तो बुक आ जाएगा, और इसके बाद गिव, तो गिव का फिर क्या होता है, गिवन और बाय यू हो जाएगा. तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा. ये हमारा किसका है, ये हमारा इंट्रोगेटिव का जनरली एक स्ट्रक्चर. एक और भी स्ट्रक्चर होता है, इसका एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे डिड राम, नहीं, डिड आई लव यू, डिड आई लव यू, ये हमारा किसमें है, इंट्रोगेटिव में है. ठीक है, तो डिड यू हमारा क्या, पलरो, तो पलरो साथ क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे. ठीक है, तो वर हो जाएगा, उसके बाद यू, इसके बाद लव भी थ्री, और उसके बाद बाई मी हो जाएगा. तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा. एक बार फिर से देखिए, जब पास्ट इंडिफिनिट का कुछ टेंस रहेगा तो उसमें क्या करना, नेगेटिव, तो जनरली नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस डिवर प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो करना क्या है कि ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा. ध्यान में रहे कि ऑब्जेक्ट को आप चेंज करिए किस में, सब्जेक्ट में. तो ऑब्जेक्ट को मैं लिख नहीं रहा हूँ, बट बता रहा हूँ कि आप उसको चेंज करिएगा. ठीक है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो अब ऑब्जेक्ट के अनुसार वाज और वर्ब को फिल करना. ठीक, किसके अनुसार,
ऑब्जेक्ट के अनुसार वाज और वर्ब। तो देखिए यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसको क्या करना होता है कि पास्ट इंडेफिनिट का होगा तो पास्ट इंडेफिनिट का जब होगा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर जैसे सब्जेक्ट डिड नॉट डूअर प्लस दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो उसको आइडेंटिफाई करना क्या चीज है कि ऐसा दिया हुआ रहेगा तो ऑब्जेक्ट को पहले लाइएगा और उसमें क्या करना होगा वाज और वर्ब को फिल करना होगा, उसके बाद नॉट और इसके बाद थर्ड फॉर्म और इसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट विल बी चेंज इन ऑब्जेक्ट, ये ध्यान में रखिएगा। जैसे एग्जांपल मैंने लिया कि राम डिड नॉट बीट हिम, राम ने उसे नहीं पीटा तो किसे नहीं पीटा तो उसे इसमें ऑब्जेक्ट का पता लग रहा है, ठीक है। जैसे राम ने उसे नहीं पीटा तो राम हमारा ऑब्जेक्ट है तो हिम हमारा ऑब्जेक्ट तो हिम पहले आ जाएगा तो हिम का ही और ही के साथ क्या लगता है वाज लगता है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा नॉट बीटन बाय राम, दे डिड नॉट हैव लव हिम, दे डिड नॉट लव, दे डिड नॉट लव हिम, वे लोग उससे प्यार नहीं किए। तो इसका हिंदी जैसे ही वाज नॉट लव्ड बाय देम, मतलब वे लोग के द्वारा उसे प्यार नहीं किया जाता था, ठीक है। तो ये सेंटेंस हुआ। और इंट्रोगेटिव में क्या हुआ कि इंट्रोगेटिव में जनरली क्वेश्चन मार्क रहेगा तो डिड सब्जेक्ट वर्ब, हाँ अगर क्वेश्चन मार्क रहेगा और इसके साथ एक्जुलरी वर्ब सोचते हैं एक्जुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहें तो ए पहले है तो ए भी पहले आएगा। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि यदि क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जाता है तो ध्यान रखें ए पहले है तो पहले इसी का ऑप्शन पड़ जाएगा, जो जो ऑप्शन नहीं होगा उसको आप कट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वी थ्री और बाय प्लस सब्जेक्ट, जैसे डिड यू गिव अ बुक, तो ए जनरल एग्जाम्पल है तो वाज पहले तो वाज पहले आएगा, अ बुक गिवन बाय यू, डिड आई लव यू तो यू हमारा पलर तो वर लगेगा और एक साथ यू और लव बाय हर हिम, तो ये भी आपको हो गया होगा। अब इसी के रिगार्डिंग एक और है इंट्रोगेटिव का, उसको भी बता देता हूँ। देखिए इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लास्ट है इस टेंस का, देखिए इंट्रोगेटिव में नोट टू, नोट टू में क्या होगा कि डब्ल्यू एच वर्ड जो आएगा वो पहले आएगा, ठीक है, और इसके बाद डिड और इसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये पहले आएगा, ये ऐसा लगेगा कि पहले आएगा लेकिन ऑब्जेक्ट पहले नहीं, पहले डब्ल्यू एच वर्ड से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा और इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो वाज और वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाइएगा, ठीक है। तो ये हमारा वर्ब है और या तो फिर वाज लगेगा और इसके बाद ऑब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म और बाय किसमें चेंज हो जाएगा बाय सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट आप चेंज करें किसमें ऑब्जेक्ट में। तो ये जनरली हमारा स्ट्रक्चर है किसका इंट्रोगेटिव का, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना, ये हमारा एक्टिव और ये हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और कुछ एग्जांपल, जैसे एग्जांपल कि व्हाई डिड राम गिव अ बुक, इसको आप चेंज करिए, ठीक है। तो व्हाई जैसे है जैसे अ बुक सिंगुलर तो वाज रहेगा तो अ बुक आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद गिव का थर्ड फॉर्म गिव है और इसके बाद बाय राम हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना, हालांकि इसका मैं क्वेश्चन कराऊंगा लेकिन आप रूल केवल अभी आप देखिए और क्वेश्चन आप खुद से करिएगा तो ज़्यादा बेटर धन रहेगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, ये हमारा किस में है तो ये हमारा एक्टिव में चेंज हो गया और ये हमारा पैसिव में। एक और देखिए, जैसे बात करते हैं कि व्हेन डिड, When did you eat a mango? तुमने आम कब खाया था, ठीक है। इसको चेंज करिए तो a mango सिंगुलर तो when जैसे है जैसे लिखिए तो सिंगुलर तो क्या लगेगा वाज लगेगा, तो वाज लगाइए उसके बाद a mango और eat का भी थ्री eaten by यू हो जाएगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन करके तैयार हुआ। तो ये दो एग्जांपल आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये था आपका इंट्रोगेटिव और पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर था जो मैंने आपको बता दिया।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लव यू ऑल।